Hey guys, welcome to another vlog. आज है हमारा जैसलमेर में लास्ट दिन. अब हम जा रहे हैं सम जो प्लेस है जहाँ पे डेजर्ट है, और डेजर्ट में जा रहे हैं हम लोग आज. गाइस अब हम आ गए हैं जैसलमेर फोर्ट देखने. जैसलमेर फोर्ट देखेंगे अब. जैसलमेर के नोकल गाइड, हमारे जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए बोलते हैं कि सिटी पूरा एक ही पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए सिटी का नाम रखा गया गोल्डन सिटी. सेकंड नाम रखा गया स्वर्ण नगरी, यानी कि सोने की नगरी, क्योंकि सूरज का पहला किरण जैसे भी इन पत्थरों पर लगता है तो ये सोने की तरह खिल उठते हैं, इसीलिए नाम रखा गया स्वर्ण नगरी यानी कि सोने की नगरी. खासकर मेरे 1156 ईस्वी में महारावल जैसल देव के द्वारा इस किले का नींव रखा गया, और धीरे धीरे जैसे ही राजा बने तो ये फोर्ट पूरा निर्माण हुआ. आज को उल्टा सिस्टम हो रखा है, प्रजा इसी फोर्ट के अंदर रहती है, राजा जी इसी फोर्ट से बाहर हनुमान सर्किल के अंदर वहाँ मंदिर पैलेस बना हुआ, वहाँ पे प्रेजेंट के किंग रहते. ओल्ड टाइम का नाम रखा गया मिर्ची सेठ जी का हवेली. इस फोर्ट में आने और जाने का एक ही रास्ता है, आप जहाँ से आए और वापस वहाँ से नीचे जाना पड़ेगा. फर्स्ट गेट का नाम था अखे टोल, अखे सिंह यहाँ एक राजा थे जिनके नाम से वो गेट रखा गया, और सेकंड गेट का नाम रखा गया सूरज टोल, क्योंकि ओल्ड टाइम में सूरज का पहला किरण जैसे भी वहाँ लगता इसीलिए नाम रखा गया सूरज टोल. और तीसरे गेट का नाम रखा गया गणेश टोल, क्योंकि फोर्ट का जो पहला नींव गणेश टोल से रखा गया, और दूसरा एक छोटा सा गणपति बापा का ऊपर स्टैचू लगाया, क्योंकि ओल्ड टाइम में यहाँ के लोग भूत प्रेत आत्माओं को ज़्यादा मानते थे. जब राज परिवार के लोग शादी करके फोर्ट के अंदर प्रवेश करें तो पीछे अशुभ शक्ति अंदर ना पाए, इसीलिए उसी गेट की स्थापना कर दी गणेश टोल. और ये लास्ट गेट है विंड गेट, यानी कि हवा टोल. मई जून के समय जैसलमेर के अंदर इतना गर्मी रहता है कि टेम्परेचर 40 और 50 डिग्री के करीबन रहता है, तो उसी फ्लोर के अंदर एकदम ठंडी हवा आती थी, लोग चौबारों के अंदर ठंडी हवा खाने के लिए बैठते थे, इसीलिए नाम रखा गया विंड गेट यानी कि हवा फ्लोर. बेसिकली चार गेट का चढ़ाई पार करके जहां रिक्शो वाले ने छोड़ा, जहां प्रेजेंट खड़े हैं दशहरा चौक बोलते हैं, ओल्ड टाइम में राजाओं के समय यहां दशहरे का मेला लगाया जाता था. इधर को रहते हैं राजपूत लोग, इधर को रहते हैं ब्राह्मण लोग. ये राजा का पैलेस, ये रानी का पैलेस दोनों डिफरेंट है, क्योंकि राजा के पैलेस के अंदर बड़े विंडोज और रानी के पैलेस के अंदर बहुत छोटे विंडोज, क्योंकि यहाँ की रानियाँ घूंघट में रहती थी. राजस्थान में ओल्ड टाइम में जब यहाँ दशहरा फेस्टिवल होता जैसलमेर के अंदर, तो इन छोटे मोटे विंडोज थे, रानियाँ फेस्टिवल देखती, बाहर से उन्हें कोई देख ना सके. इधर सामने माँ चामुंडा माता जी का मंदिर है, जिसके आगे ओल्ड टाइम में भैंस के बछड़े का बलि चढ़ाया जाता था, प्रेजेंट में सरकार के जरिए पूरा बैंड लगा दिया गया. सामने वो व्हाइट मार्बल का चेयर दिख रहा है सर, दशहरा फेस्टिवल के समय राजा जी वहाँ बैठते थे और आसपास में मंत्रीगण लोग बैठते थे, और वो पिंजरे में कैद करके रखा है कि यहाँ के लोग और आने जाने वाले मेहमान लोग उसमें ना बैठ सकें. और सर जी और बता दूँ कि जैसलमेर में गड़ीसर लेक से स्त्रियाँ अपने सर पे मटका रख के इसी फोर्ट के अंदर पानी लेके आती थी, और अब इंदिरा गांधी कैनाल आया पंजाब हरियाणा लुधियाना से, तो ये पूरा सिटी डेवलपमेंट हुआ. मैन मेरा जो सिटी डेवलपमेंट हुआ मेरे मेहमान लोगों के बदौलत, मैं तहे दिल से मेरे मेहमान लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि वो जैसलमेर पदार्थ तो हमें यहाँ रोजी रोटी मिलता है, क्योंकि यहाँ तीन चीज़ का काम है, पहला खेती, दूसरा पत्थर और तीसरा मेहमान. इन तीन चीज़ों के कारण जैसलमेर चलता है, और धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हुआ तो जैसलमेर आगे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ. एक कवि ने कहावत लिखी, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी और वहाँ पहुँचे मारवाड़ी. मारवाड़ी में से जैन लोग सबसे ज़्यादा जैसलमेर से बाहर गए हैं, क्योंकि जैसलमेर में ओल्ड टाइम में भारत पाकिस्तान पास में था, तो यहाँ पे कैमल कारवा चलता था, तो ये जैन लोग अफगानिस्तान और कराची से सोना चांदी चर्स गांजे अफीम और मसालों का व्यापार करते थे, यहाँ के राजाओं को फाइनेंसर का काम करते थे, यहाँ के नगर सेठ लोग थे आज के अंबानी के बराबर. धीरे धीरे उन लोगों का सिल्क रूट था व्यापार, सुकुड़ने लगा और ठप होने लगा, वो लोग अपनी हवेलियाँ वगैरह बेच के बाहर चले गए, इसीलिए बोला जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी और वहाँ पहुँचे मारवाड़ी. यहाँ आपने देखा होगा सर जी, होटल रेस्टोरेंट दुकान मकान सभी एक ही पीले पत्थर के द्वारा बने, क्योंकि यहाँ आसपास के 20 किलोमीटर गांव में छोटी मोटी पहाड़ियों के जरिए
ऐसा ही स्टोन निकाला जाता है तो जैसलमेर में एक ही स्टोन के द्वारा सारे मकान बनाए। ये बलवा मिट्टी सा स्टोन है तो इस पर आप कोतरने का काम सबसे अच्छा कर सकते क्योंकि पानी को सोखने का काम करता है। और एक कहा होते हैं जैसलमेर में लिखा है कि घोड़ा कीजिए काट का पिंड कीजिए पाषाण बख्तर कीजिए लोहे का और चंद देखो जैसाण। अगर उस समय में आपको जैसलमेर देखना हो तो घोड़ा लकड़ी का हायर करो घास और पानी ना मांगे पीठ पत्थर जैसी और वस्त्र लोहे जैसी चंद देखो जैसाण। अगर चंद मिनटों में जैसलमेर शहर आज हमारा आप देख रहे हो तो यहाँ पे सर्दी सबसे पहले फ्लाइट आता है रेल आता है बाइक आता है बसें जाती हैं। चंद मिनटों में मेरे मेहमान मेरी सिटी पधारते हैं और मेरा सिटी देख के वापस चले जाते हैं। ओल्ड टाइम में ये सिटी घूमना बहुत डिफिकल्ट था, मानो काले पानी की सजा दे दी गई क्योंकि लोगों को बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके रखना पड़ता था। अगर जब मेहमान घर में आता सर जी पानी नहीं सबसे पहले घी आगे किया जाता क्योंकि इतना जैसलमेर में यहाँ पानी का बहुत किल्लत था। और इस कोर्ट में देखने के लिए चार मोनोमेंट्स हैं। फर्स्ट है राजा और रानी का पैलेस जिसमें पर पर्सन 200 रुपीज़ चार्ज लगेगा जिसमें भाले तलवार पुखरी ये सारी चीज़ें रखी हैं, इसके अलावा अंदर को कुछ नहीं। सेकेंड एक है टॉप है जहाँ से जैसलमेर गोल्डन सिटी लुक लाइक देखने को मिलेगा, गाड़ी सर लेग इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन वहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तीसरा है राजगुरु का हवेली, प्रेजेंट में नाम रखा गया बारी हवेली। बा गुजरात में दादी को बोलते हैं, राजस्थान में बड़े बुजुर्ग लोगों को बोलते हैं। तो वो 485 रोड हवेली है जिसमें मात्र 50 रुपये का पर पर्सन टिकट है। और चौथा है जैन मंदिर जो कि 600 वर्ष पुराने मंदिर है जिसमें जूते बाहर आपको खोलने पड़ेंगे पानी की बोतल बाहर। हम आए हैं जैसलमेर के जैसल फोर्ट के लास्ट स्टॉप पे लास्ट पॉइंट, यहाँ से पूरा सिटी व्यू होता है। यहाँ छोड़ के गया अपन को, यहाँ से गए वहाँ से रिक्शो किया रिक्शो घूम के आया पूरा। यहाँ से पूरा जैसलमेर सिटी दिख रहा है और ये फोर्ट का लास्ट पॉइंट है। ये देखिए जैसलमेर फोर्ट का आउटसाइड का व्यू। हम आए हैं पटवा हवेली जरोखो की हवेली, वर्ल्ड फेमस है ये। पटवा राजाओं के द्वारा इनको एक उपाधि दे रखा था, ये लोग पटवाई का काम करते थे जैसे मोती का काम है धागे का काम है जरी का काम है सोने और चांदी का काम है। यहाँ के राजाओं को फाइनेस्टर का काम करते थे, यहाँ के नगर सेठ लोग थे आज के अंबानी के बराबर क्योंकि उस जमाने में जैसलमेर में भारत पाकिस्तान पास में था। ये जैन लोग अफगानिस्तान और कराची से सोना चांदी चर्च गांजे और अफीमों का व्यापार करते थे, यहाँ के राजाओं को फाइनेंसर का काम करते थे, यहाँ के नगर सेठ लोग थे। तो ओल्ड टाइम में सेठ गुमान चंद जी बापना ने 1800 शताब्दी में अपने 5 बेटों के लिए एक लाइन में 5 हवेली बनाया ताकि बेटे आपस में लड़ाई ना कर सकें। तो धीरे धीरे इन लोगों का सिल्क रोड का व्यापार सुकुड़ने लगा और ठप होने लगा, ये लोग अपनी हवेलियाँ और अपने मकान बेच के बाहर चले गए। तो फर्स्ट हवेली खरीदा जीवन लाल जी कोठारी ने 60,000 रुपये में, उनके पोतों ने इस हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट करवाया। सेकंड है सरकार के अंडर में जो अभी बंद है और तीसरा 7वीं जनरेशन के पास है, चौथे में 7वीं जनरेशन रहती है, 5वां सरकार के अंडर में जो अंदर से एम्प्टी है खाली हवेली है। तो एक लाइन में 5 हवेली बनाया, हवेली दिखने में लकड़ी सा लगेगा बाकायदा पूरा पत्थर का बनाया। जैसलमेर में जितना सोने पे नकाशी का काम नहीं किया गया उतना यानी पत्थरों पे नकाशी का काम किया गया। विंडोज का नीचे वाला डिजाइन देख रहे हो, यहाँ की औरतें कानों में झुमका पहनती हैं उसी हिसाब से पूरा डिजाइन बनाया गया। अंदर से सर देखोगे तो ऐसा म्यूजियम बना हुआ, एक आदमी का 150 रुपये टिकट है, ऐसा म्यूजियम पोस्टर में लगा हुआ ऐसा है। अंदर को देखना अंदर से दीदी ऐसा म्यूजियम है, लोक लाइट तो हवेली बाहर से है अंदर से ऐसा म्यूजियम वीडियो वगैरह ठीक भाऊ। दीदी वाले में फोटो क्लियर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है अच्छा, इसमें भी आपको पूरा आ रहा है।
ये है जैसलमेर का फेमस धनराज रणमल बाटिया शॉप। यहाँ पे स्वीट नमकीन आप सब खा सकते हो, सब यहाँ का फेमस है, प्योर आपके सामने लाइव बन रहा है। अब हम आए हैं जैसलमेर के मंदिर पैलेस में, यानी राजा का महल कहा जाता है इसे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका काम। ये देखिए गाइस, महरावल जवाहर सिंह ये है। ये पूरा अंदर से व्यू है। ये बाहर से व्यू है जब हम अंदर गए थे उसका। इसको अब होटल में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि उसका मेंटेनेंस रहे, लोग आए। यहाँ से इस गेट से आप जनाना हॉल जा सकते हैं, इसके लिए आपको परमिट लेनी पड़ेगी। एक मिनट, हम आए हैं खाना खाने। दोपहर के 3 बज गए हैं, बहुत भूख लगी है। हम सुबह से नाश्ता करके सिर्फ घूम रहे थे, अब हम आए हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद हम जाएंगे सम। तो मिलते हैं सम में, बाय।